एक कमाल की जगह। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है असीता ईस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी जगह है और ये कहाँ पर है। चलिए जल्दी से मैं आपको यहाँ की डिटेल दे देता हूँ। ये जो है, ये हमारा जो हमारी यमुना नदी है उसका एक किनारा या घाट बोल सकते हैं, लेकिन ये इसका पूर्वी छोर है, पूर्वी घाट है। और ये जो है, ये जो अगर हम दिखाएंगे, अगर आप उधर की तरफ, तो दोस्तों वो है आईटीओ वाली साइड। जब हम आईटीओ से ये यमुना का पुल जो है क्रॉस करते हैं, तो वहां पर लेफ्ट पर ही एक कट दब रहा है, तो ये वहीं पर बना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हम जाके इसको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो आईटीओ पड़ता है, ये वहाँ से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की जो टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक की है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि सूरज निकलने से लेके सूरज डूबने तक की है। जैसे जैसे सूरज की टाइमिंग चेंज होगी, वैसे वैसे यहाँ की टाइमिंग भी चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर अंदर घूमने का कोई चार्ज नहीं है, एंट्री एकदम फ्री है, हफ्ते के 7 दिन ये खुला हुआ है। तो ये हो गई यहाँ की डिटेल। चलिए आइए अब हम जल्दी से अंदर चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा है। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ऐसे ही हट हट के जगह ढूंढ कर लाता रहता है। तो चलिए जल्दी से अब हम अंदर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बाहर के नज़ारे, भाई ये देखिए सनराइज हो रहा है, कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। और ये रोड का शोर, वो है मिस्टर खालिद, आज मेरे पार्टनर। आओ मिस्टर खालिद, अंदर की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पर अभी परसों ही जो हमारे G20 के डेलीगेट्स थे वो भी आए थे, उन्होंने भी ये जगह एक्सप्लोर की थी। तो आपको भी एक बार एक्सप्लोर करनी चाहिए और यहाँ पर आना चाहिए। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। ये रहे मिस्टर खालिद, मेरे आज के पार्टनर। चलिए, यहाँ वैसे जो मज़ा है आने का वो सुबह ही सुबह है भाई। सुबह सुबह आप आओगे, दिल खुश हो जाएगा, बड़ी मीठी मीठी ठंड मिलेगी यहाँ पर आपको। और ये गेट पर खड़े होंगे आपका स्वागत करने के लिए। ये देखिए, तो उस साइड टॉयलेट्स वगैरह हैं और जो इस साइड है वो पार्किंग भी बनाई हुई है। चले अंदर आगे की और चलिए। आपको शायद इसमें दिख रही है या नहीं दिख रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी सी ओस है भाई। सुबह का मौसम जो है यहाँ का ऑसम होता है। मैं भी, आप देख सकते हैं वह जो मेरी पिछली वीडियोस हैं वो मैंने शर्ट पहनकर बनाई है, लेकिन यहाँ पर जो मैं आया हूँ एक हल्का सा स्वेटर पहनकर आया हूँ, क्योंकि भाई एक तो मैं स्कूटी से आया हूँ और ऊपर से यहाँ पर मीठी मीठी ठंड है ही। और वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, झाऊ चल के देखें। ये देखते हैं, यहाँ पर एक चेतावनी दी गई है, यमुना नदी राष्ट्र की मूल्य बहुमूल्य धरोहर है, इसे कृपया स्वच्छ रखें। चलिए, यहाँ पर कुछ साइंस दिए गए हैं, ये पढ़ के बताता हूँ। वाटर बॉडी, पार्किंग और एग्जिट। चलिए, तो जैसे हम नीचे उतर जाते हैं तो हमारा जो नज़ारा है हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। अभी हमें आगे की ओर जाना है, ये जो ट्रैक बना हुआ है ना, बस हमें इसे ही फॉलो करना है। और वो रही हमारी प्यारी यमुना नदी। आइए सर, लाइट्स भी लगाई गई हैं भाई, देखते हैं हम आगे चल के हमें यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है।
भैया बता रहे थे कि यहाँ पर सीजन में जो है अलग अलग तरह के जो पक्षी हैं वो भी आते हैं। भाई लोग देखो साइकिलिंग करते हुए भी आ रहे हैं, दिखा आपको। चलिए अब हम भी आगे की ओर चलते हैं। ये यहाँ बैठने की भी जगह बनाई गई है। तो भाई आप यहाँ पर आकर भी बैठ सकते हैं। और सुनो मजे की बात, हम हैं दिल्ली वाले और ये यमुना नदी घर से ज्यादा नहीं, सिर्फ मुश्किल से 2 या 2.5 किलोमीटर दूर होगी, लेकिन आज तक कभी मैं आकर यहाँ ऐसे नहीं बैठा, मतलब यमुना नदी के किनारे नहीं बैठा, किसी घाट के किनारे नहीं बैठा। अभी वहाँ पीछे की तरफ भी पक्षियों की डिटेल दी गई है कि यहाँ पर कौन कौन से बर्ड्स आते हैं, तो मैं अभी वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए यार यहाँ पे बैठने का मजा ही कुछ और। चलो आगे की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, देखिए वो दी हुई डिटेल्स। ये पेंटेड स्टॉर्क है, ये यहां पर आता है। ये है पीट एवोसेट, ये नीचे वाली रूबी शेल डक, पीट किंगफिशर, वाइट थ्रॉटेड किंगफिशर, सो ये सब यहाँ पर आती हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फी पॉइंट, तो अब हम उसी ओर जा रहे हैं। अभी तो खैर कौवे ही नजर आ रहे हैं, हल्की हल्की सी धूप निकल गई है। वो रहा सामने सेल्फी पॉइंट, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, हाँ इतना ठीक है। चलिए जल्दी से वहीं चलते हैं। और ये देखिए भाई यहाँ की प्यारी प्यारी क्यारियाँ, यहाँ पर ये सब जो पेड़ लगे हुए हैं इनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जामुन बुलबुल पीपल ये सब यही लिखा हुआ है।
देखिए भाई, पहले ये दिखाऊंगा मैं आपको, उसके बाद कहीं आगे जाऊंगा। वहाँ सामने अगर आपको कुछ पक्षी नज़र आ रहे हो, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा भाई। ये देखिए डक्स वगैरह हैं वहाँ, और बीच में एक पक्षी है जो पर फैलाए खड़ा हुआ है। ये रहा, ये ठीक से दिख नहीं रहा होगा आपको। चलिए इधर भी देखिए, इधर भी बैठने के लिए जो है सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है जगह जगह, मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। मैं यमुना नदी के भाई इतना करीब जिंदगी में पहली बार आया हूँ। हमेशा दूर से ही देखिए, अरे उड़ गया, बुरा। आजा भाई आजा, अरे यार उड़ गया, बैठा रहता थोड़ी देर मजा आ जाता। तो ये देखो भाई यहाँ के नजारे, अभी हम इधर भी जाएंगे, लेकिन पहले हम इधर चलते हैं। देखो भाई एक हमारा नदी में खड़ा हुआ है, क्यों खड़ा हुआ है ये देखो, चलो इधर से निकलते हैं। देखिए यहाँ का पूरा जो मैप है, प्लान है, वो समझाया गया है यहाँ पर। तो भाई ये हैं यहाँ के नज़ारे, और ये हैं यहाँ का मेरी यमुना। ज़बरदस्त मज़ा आ गया सुबह सुबह आके, आज की सुबह वसूल हो गई भाई हमारी। सही बात है मिस्टर खालिद? हाँ जी हाँ। अभी आगे भी ट्रैक बनाया हुआ है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, मतलब आगे तक आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। और वहाँ उधर देखिए, इधर इस साइड जो है, मतलब जगह जगह जो है ना, यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। वहाँ पे बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, जहाँ आपका दिल करे वहाँ बैठ जाओ, वरना रोड पे लेट जाओ, क्योंकि ये भी बहुत साफ है यहाँ के।
लेकिन ये पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। वो अभी जो मैंने दिखाया उसको दिखाया कि पहले यहाँ बहुत गंदगी होती थी भाई, बहुत मेहनत लगी इसको ऐसा करने में। अगर पूरी हमारी यमुना नदी ही ऐसी हो जाए तो भाई मज़ा ही आ जाए। मतलब पूरी की पूरी यमुना नदी हमारी साफ हो, स्वच्छ जल हो और ऐसे ही वहाँ के किनारे हो, ओहो मज़ा आ जाएगा। चलो हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, फिर हम अपनी वीडियो जो है ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। पार्किंग का बोर्ड तो वैसे वहाँ लगा हुआ है लेकिन हमने अपनी स्कूटी जो है वहीं खड़ी कर दी थी क्योंकि यहाँ आके फिर हम वापस नहीं आ सकते थे ना यार। तो देखिए सामने की ओर क्या बना हुआ है। सुबह सुबह तो दोस्तों अब ये जो है ट्रैक ये आगे तक जाता ही रहता है। अभी हम आगे भी जाएंगे, अगर कुछ आपको दिखाने लायक लगा तो हम ज़रूर दिखा देंगे, वरना अभी हम यहाँ पे वीडियो अपनी बंद करते हैं। तो दोस्तों वैसे हम आगे आ चुके हैं, तो आगे यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आगे की ओर नर्सरी है और किड्स प्ले है, यानी बच्चों के लिए भी गेम जोन बनाया गया है। तो अब हम आगे की ओर ही जा रहे हैं, देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। ये जो याला ट्रैक है पक्का वाला, ये यहाँ ख़त्म हो जाता है। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं और आपको आगे से दिखाते हैं। चलते चलते काफ़ी आगे आ गए हैं लेकिन किड्स प्ले का जो है इधर दिखा रहा है लेकिन अभी तक तो हमें मिला नहीं है। देखते हैं आगे की ओर। तो देखो भैया, ये भैया मिले हैं हमें और ये बता रहे हैं कि अभी जो बच्चों का प्ले जोन है, किड जोन है, वो अभी बना नहीं है। मे बी हो सकता है कि बाद में वो झूले लगाएं, लेकिन अभी नहीं लगे हैं। और ये दो डॉगी हमारे साथ खेलने के लिए आ गए हैं दुम हिलाते हुए। तो चलो अब हम यहाँ पर अपनी वीडियो जो है ख़त्म ही करते हैं। ठीक है भाई, जाओ, टाटा बाय बाय। सो दोस्तों ये है मेरी यमुना नदी और मेरी यमुना नदी का पूर्वी किनारा। भाई मुझे तो यहाँ सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ तो यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग आए या फिर शाम को आए, आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप सुबह आएंगे तो सुबह का मज़ा भाई कुछ और ही है। चलिए अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और आपको यहाँ पर क्या अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो चलिए अब आपसे लेता हूँ मैं विदा, मिलता हूँ किसी दूसरी जगह किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहें मेरे साथ।